नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस और इग्नू का ऑलराउंडर चैनल, जहाँ पे मिलती है आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे इन्फॉर्मेटिव खबर। तो चलिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ परमानेंटली। दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि क्या ऑफिशियल खबर निकल के आई है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू और जो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई उसके बाद। तो दोस्तों, पूरी खबर के साथ ज़रूर बने रहिएगा, पूरे वीडियो को कम्प्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत सारे सवाल और इग्नू की तरफ से आए बहुत सारे जवाब। चलिए पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन आपने प्रेस कर लिया होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है आपके एग्जामिनेशंस और 2021 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस में प्रमोशंस हुई उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो गई स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स किए, सवाल किए और यूनिवर्सिटी ने भी क्लेरिफिकेशंस देना ज़रूरी समझा और फाइनली बहुत सारी क्लेरिफिकेशंस भी आई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि एक यहाँ पे फॉर्म निकल के आया है। तो ये फॉर्म किस नाम से है, कौन इसको भर सकता है और किसको भरना ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो हमने आपके ही द्वारा दिया गया है। अगर फरवरी परीक्षा में उपस्थित ना हुए तो क्या दोबारा जून में आपको मौका मिलेगा? क्या आपका जो रजिस्ट्रेशन का ईयर था वो और एक्सटेंड किया जाएगा? क्या वो जून एग्जामिनेशन 2021 तक एक्सटेंड किया जाएगा? ये दोबारा मौका है, अगर आप छोड़ देते हो 2021 की फरवरी परीक्षा तो क्या आपको फिर से मौका दिया जाएगा? दूसरी बात है यहाँ पे, क्या सभी स्टूडेंट्स का जो इग्नू की तरफ से नया बदलाव आया गया है प्रमोट के नियमों में, क्या इग्नू ने जो अंतिम फैसला दिया है कि किस मोड पे आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में भी, और क्या फरवरी टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी इग्नू ने कहा है। और उसके बाद क्या सभी को प्रैक्टिकल जो है सभी का वो रद्द हो जाएगा या नहीं, परीक्षा किस तारीख को होगी, और ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट रूप से जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताओ कि एक चीज़ यहाँ पे आपने अगर ध्यान दी है तो सही है, और अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो नोटिस है उसमें निकल के आया था उसका पूरा फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है कि यूजी और पीजी प्रोग्राम में जो छात्र हैं जो पदोन्नति यानी प्रमोशंस नहीं होना चाहते वे फरवरी 2021 में टर्म एंड परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं और उसके बाद जो आगे की शर्तें हैं वो पूरे करें और अपना रिजल्ट ले लें। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे बताई गई थी। इस नोटिस को अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो आपको ये पूरी बात पता चल जाती है जैसा कि इसमें कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रमोशंस नहीं मिला है तो उनको तो कन्फर्म रूप से एग्जामिनेशन देनी होगी। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उनका क्या होगा? क्या वो सारे सब्जेक्ट्स की भी परीक्षा होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं, और किस मोड पे परीक्षा होगी वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पूरे मीटिंग पे बात निकल के आई है और वो खबर इस तरह है कि इग्नू परीक्षा 2021 जो परीक्षा पैटर्न हुआ आधिकारिक वेबसाइट पे ये खबर निकल के आई कि जो दिसंबर परीक्षा पैटर्न कोई भी तरह का इसमें चेंजेस नहीं आया। जो कंप्लीट रूप से जो पैटर्न था, जो इतने दिन से पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न यहाँ पे दिया जाएगा और फाइनली ये खारिज कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड पे नहीं होगी। इग्नू जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी इग्नू प्रारंभिक पैटर्न में 1 फरवरी से शुरू होने वाली टर्म एंड एग्जामिनेशंस की परीक्षा दिसंबर 2020 की परीक्षा जो है वो आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय ने आधिकारिक इग्नू के अनुसार पेन पेपर मोड पे टर्म एंड दिसंबर की परीक्षा आयोजित करने के लिए बात कही है। इग्नू के क्षेत्र निर्देशक डायरेक्टर ने डॉक्टर पी शिवा स्वरूप से बातचीत करते हुए ये रिपोर्ट है और उन्हीं के हिसाब से ये कहा गया कि आपका जो एग्ज़ामिनेशंस है वो आपका जो होगा वो फाइनली आपके यहाँ पे इस मोड पे होगा, आपके पेन पेपर मोड पे। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि टर्म एंड एग्जामिनेशंस का जो रूप है वो पेन पेपर मोड के माध्यम से ही लिया जाएगा। तो जैसे कि पेन पेपर मोड के माध्यम से लिया जाएगा, हालांकि कैंडिडेट प्रमोटर जो चाहते हैं अपीयर होना उनको पेन पेपर मोड पे ही एग्जामिनेशंस लिखनी होगी। और उसी के साथ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात करें, जो कैंडिडेट थे उनके बीच में बता दूँ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं तो वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जैसे प्रीवियसली कंडक्ट किए जाते थे, लिए जाते थे सेंटर्स पे जाके, वैसे ही वो लिए जाएंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रैक्टिकल परीक्षाएं वैसे के वैसे ही ली जाएगी और किसी कैंडिडेट की यहाँ पे प्रैक्टिकल परीक्षा रद्द हुई है तो उसकी बता दूं कि जो कोर्सेज यहाँ पे रद्द तो किसी की भी नहीं हुआ, सिंपली रद्द किसी का भी एग्जामिनेशंस प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बात यह है कि अगर आप देना चाहते हो एग्जामिनेशंस तो फिर आपके लिए दरवाज़ा खुला है सेंटर का, आप जाके दे सकते हो। परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी, प्रमोशंस आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो तो लो वरना नहीं चाहते हो तो नहीं लो। ये पूरी की पूरी बात यहाँ पे ज़रूरी। एक सवाल था, अगर आप फरवरी परीक्षा छोड़ देते हो तो क्या आपको फिर से मौका मिलेगा? देखिए, जून में आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इस सेशन का, जैसे कि हम बात कर ले, आप सेशन वाइज ही यहाँ कहा गया है, इस सेशन का अगर एग्जामिनेशन आप छोड़ देते हो, जून में एग्जामिनेशन थी पोस्टपोन होकर दिसंबर में हुई और जिनका दिसंबर में एग्जामिनेशन था उनका एग्जामिनेशन फरवरी में हो गई, यानी ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं जून और दिसंबर का जो एग्जामिनेशन था उसको फरवरी में कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन फिर अगर आप जून में चाहते हो कि वही परीक्षा जून तक हम दे सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये मौका दोबारा और नहीं मिलेगा। हाँ, जून में फिर से जो परीक्षा होगी नेक्स्ट सेशन की, वो एग्जामिनेशंस जो कैंडिडेट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस किया है उसके लिए भी आपको फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, जिसकी एग्जामिनेशन फॉर्म अप्रैल मई में निकल के आती है। तो इस वजह से इस बार अगर आप छोड़ते हैं मौका तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे सवाल के जवाब बताए, जैसे कि मोड वगैरह, आपको सब कुछ डिसाइड हो गया, आपको फाइनली पेन पेपर मोड पे ही एग्जामिनेशंस लिखने होंगे। चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के। ये एक गूगल फॉर्म है और गूगल फॉर्म क्या है, किस चीज़ पे है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इग्नू की तरफ से यहाँ पे एक चीज़ आई है, एक नोटिस आई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर वर्चुअल टॉक बाय डॉक्टर किरण बेदी और गवर्नर पौंडीचेरी ऑन ट्यूसडे। यहाँ पे ये बात कही गई है कि वर्चुअल मीडियम के थ्रू, यानी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आपको वहाँ से आप डॉक्टर किरण बेदी जी से आप बात कर सकते हैं। आपको पता है कि डॉक्टर किरण बेदी जी कौन है? अगर नहीं पता तो बताइए कि किरण बेदी जी क्यों इतनी फेमस है। वो देश की प्रथम महिला आईपीएस थी, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस है और वो काफ़ी अच्छी एक लीडर के रूप में भी उभरी थी। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिस तरह से हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी इस चीज़ पे जुड़े हैं। और वर्चुअल टॉक होगा, इसमें क्या कहा गया है कि आपको इसके लिए पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण के माध्यम से फिर आप जो है इस थ्रू से बात कर सकते हैं उनसे। लीडरशिप के बारे में जो भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो इस वजह से पूरा प्रोग्राम रखा गया है, वही इग्नू में बताया गया है। इच्छुक जो भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि हम करें, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसमें बताया गया कि फॉर्म आप भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल एड्रेस, नाम, पता, उसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर एक्सेट्रा डाल के आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, देन आप इससे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी की पूरी रिपोर्ट, क्या थी क्या नहीं थी, मैंने सब चीज़ आपको बताया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने सवाल ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहीं पे हम आपके सारे क्यूरीज़ के जवाब इंस्टेंटली दे पाते हैं। तो थैंक यू सो मच और चैनल को हमेशा सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके सपोर्ट में ऑलवेज़ खड़े हैं। थैंक यू।